आज है 26 नवंबर, आज है संविधान दिवस। आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी टीम के साथ देश को संविधान सौंपा था और समता, समानता और बराबरी के लिए, हक के लिए लड़ना सिखाया था। आज उनके इस नारे को आगे बढ़ा रहा है देश का अन्नदाता, देश की महिला किसान, देश के पुरुष किसान। वह मोदी सरकार को यह सिखाना कोशिश कर रहे हैं कि संविधान से बड़ा कोई नहीं, देश के लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं। जिस तरह से उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद साफ साफ कहा कि जब तक देश की संसद उसे पारित नहीं करती, इन वापसियों पर मोहर नहीं लगाती, तब तक वे आंदोलन में डटे रहेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। सबसे बड़ी जीत है इसकी, आंदोलन की। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आंदोलन कल्ले किसानों का नहीं था, ये आल जैसे बोले इसको जन आंदोलन था, जनता का आंदोलन था। इसमें सबसे विशेष बात यह है, ये आंदोलन धर्म निरपेक्ष आंदोलन था, जाति से धर्म से ऊपर उठा हुआ आंदोलन था। ये इसकी विशेषता है, इसकी जीत का सबसे बड़ा कारण है कि इस आंदोलन के अंदर धर्म की कोई दखलंदाजी नहीं थी। दूसरा सबसे बड़ा ये कारण इसका है, इस आंदोलन के जीतने का, कि ये राष्ट्रीय नेताओं से दूर रहा है। ये आंदोलन राष्ट्रीय दखलंदाजी, जो राष्ट्रीय लीडर हैं वो पार्टियों को इसको आंदोलन के नज़दीक नहीं आने दिया। ये 2 कारण हैं इस आंदोलन को बहुत बड़ी जीत दिलाने के लिए। तीसरा है जन समर्थन, वो जनता का जो सहयोग मिला है, जैसे मीडिया का सहयोग, सोशल मीडिया का सहयोग, NRI का सहयोग, पंजाब के पीछे बैठे लोगों का सहयोग, इस सहयोग ने हमारे पर लगा दिए। इस आंदोलन ने हमारे हौसला दिया, इस आंदोलन ने हमें सुकून दिया। ये आंदोलन इसलिए ये जीत हमारी जीत नहीं, अकेले की जीत, ये पूरी जनता की जीत है। जी भाईचारा बैठा हुआ है, मुस्लिम है, हम सिख हैं, इसके आगे जाओ। हिंदुओं के कितने लंगर लगे हुए हैं, उसके आगे जाओ। सिखों के कितने लंगर लगे हुए हैं, ये पत्ता राष्ट्रवाद का, हिंदू राष्ट्रवाद का पत्ता हमने पीट दिया, नहीं चलने दिया। हिंदू मुसलमान का जो नफरत का बोलबाला चल रहा है हिंदुस्तान में, ये अहले सियासत का काम है वो जाने, हमारा तो काम है उल्फत का पैगाम देना, वो हम दे रहे हैं। ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ। ਸੱਪ ਅਗਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੋ ਡੰਗ ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋ ਉਸਮੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਂਪ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ये दहा देखता है कि किस समय इसकी मार में आया और किस समय डस मार। नीति नहीं बदली, नीत नहीं बदली, फैसला बदला है सिर्फ। नीति और नीत वही है, बहुत बेईमानी और चलाकी के साथ ये ऐलान किया है। इस आंदोलनकारियों को इग्नोर करके फैसला कर लेना, अपनी कैबिनेट के साथ कोई मशवरा ना करे के बगैर ऐलान कर देना, जो मांगे हमें इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, जो उसकी बाकी रह रही मांगे हैं उनके ऊपर कुछ भी ना बोलना, और लास्ट में ये कह देना कि हम
भारत के लोगों से माफ़ी मांगते हैं, हमारी तपस्या कामयाब नहीं हुई, दिए की लो जैसा सच। जे माफ़ी हमारे से नहीं मांगी, जे कारपोरेट से मांगी है। तपस्या की बात यह है कि हम इन लोगों को गमराह करने में कामयाब नहीं हो सके, माफ़ी इस बात की मांग। इसलिए वो उसने तभी बोला है कि कुछ किसानों को हम समझाने में कामयाब नहीं हो सके। इतने बड़े हजूम को वो कुछ किसान बोल रहा है, कुछ लोग बोल रहा है, इसलिए वो अपनी नीत के ऊपर वैसे खड़ा हुआ है। हमें उसका पता है कि वो किसके हाथों में खेल रहा है, हम उसकी चाल को समझते हैं, उसकी खासलत को समझते हैं, उसका जो नज़रिया है फिरकू फांसीवादी नज़रिया, उसको अच्छी तरह पहचानते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई उसी तरीके से लड़ी गई है कि हम जिसके साथ लड़ रहे हैं उसका खासा क्या है इसको देखकर हम लड़े हैं, इसीलिए हम पहचान कर ही लड़े हैं, उसी दिशा में लड़े हैं, ऐसा आंदोलन लड़े तभी हम जीते। देखिए, एक मांग तो हम जो नारा था कि कानून वापसी घर वापसी, वो तो पूरी होगी, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि आंदोलन समाप्त हो गया। किसानी की मांगें और पड़ी हुई हैं, 5-6 मांगे, 3 मांगे तो हम और लेकर आए हैं हम साथ में। MSP की मांग, सरकारी खरीद की मांग, जनतक बांड प्रणाली की मांग, ये खड़ी हुई है, स्टैंड कर रही है। बिजली बिल 2020 की बात खड़ी हुई है, स्टैंड कर रही है। इस बार आ रहा है, पहला लिस्टेड है, नहीं लिस्टेड है, लिस्टेड आ गया, लिस्टेड है। तो दूसरी पराली वाली प्रदूषण वाली बात भी स्टैंड कर रही है। इसके अंदर जुड़ गई कितनी बातें हैं, लखीमपुर की घटना जुड़ गई, उसका कुछ नहीं बना। आंदोलन के अंदर कितने किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए हैं, उसका कुछ नहीं बना। आंदोलन के अंदर 700 बंदा शहीद हो गया, उसका कंपनसेशन का कुछ नहीं बना उनकी मदद के लिए। ये मांगे स्टैंड करती हैं। ये जो पीरियड है जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते कानून रद्द होने पर, उस पीरियड में, इतने पीरियड में हम इन मांगों में क्या क्या ले रहे हैं, क्या क्या मिल जाती हैं सरकार को। हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेकर भेजा है, भाई आप मांगे हमारी रहती हैं, बोले आप किसके ऊपर क्या करते हैं। इसमें जो कुछ भी आ जाता है देखिए, उसके बाद में कितने देर बैठना है ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन हम यहाँ जब भी यहाँ से उठेंगे, ये ऐलान कर उठेंगे कि ये जीत हमने जीत ली है, ये बात हमारी बाकी है, इसके ऊपर आंदोलन चलेगा, इसके ऊपर आंदोलन खत्म करने जा रहे हैं। मेरी सलाम ते बहुत सारी मुबारकबाद, तुहाडा कोल जिंदाबाद। तुसी जिस सिदक नाल, जिस हिम्मत नाल, जिस जोर नाल एक ओल लड़िया, ते जिन्नू थोड़े आगू कहंदे सी गोडड़ी लगवाने, ओ सरकार नू गोडड़ी लवा के मन्ने, तुहाडी एक वारी फिर जिंदाबाद। मेरियो प्यारियो भैणो, तुसी अपना घर बार छड़ के, अपने बाल बच्चे छड़ के, अपनी सेहतां दी परवाह ना करदे होए, जिस तरह एना मोर्चियां ते डटियां, तुसी नहीं जानदियां शायद कि तुसी हिंदुस्तान दे सारे लुटे खुटे लोकां नूं किन्ना वड्डा हौसला दिता। तुसी अपनी एकजुटता नाल जिहड़े लोक हिंदुस्तान दे हौसला हार गए सन, जिहड़े इस सरकार दे वड्डे वड्डे दावे के असी हां ते हुण असी ही रहांगे, तुसी उहनां दावियां नूं थल्ले सुट्टिया, ते अपनी हिम्मत ते एकजुटता नाल तुहाडी जिंदाबाद। के हमने जो किताबों में नहीं पढ़ा, जो अपनी बड़ी बड़ी युस्तकों में नहीं सीखा, वो यहाँ से सीखा है। राष्ट्रवाद का सबक हमने यहाँ से पढ़ा है, कैसे हमने अपने हकों के लिए आवाज़ उठानी है हमने इनसे सीखा है। तो किसान आंदोलन के शब्द तो बहुत बड़े हैं, इसका क्या क्या बताएं। मुझे फैज के वो शब्द याद आ रहे हैं आज, फैज ने कहा था कभी, यूं ही हमेश जुल्म से उलझती रही है खलक,
जू ही हमेश जुर्म से उलझती रही है खलक, ना उनकी रस्म नई ना हमारी रीत नई, जू ही हमेशा हमने खिलाए हैं आग में फूल, जू ही हमेशा हमने खिलाए हैं आग में फूल, ना उनकी हार नहीं ना हमारी जीत नहीं।